नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और मार्वल फ्यूचर फाइट वर्जन 5.0 एवेंजर्स एंड गेम अपडेट आ चुका है इस समय गेम के अंदर और मूवी भी रिलीज़ होने वाली है इंडिया में। शायद आजू बाजू के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी लगभग 26 को होगी। इंडिया में तो 26 को लॉन्च हो रही है, रिलीज़ हो रही है, लेकिन अपडेट पहले आ चुका है तो उसी का ही गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन हम लोग इस वीडियो में लगभग 32 से 33 नए यूनिफॉर्म खरीदने वाले हैं। कुछ क्रिस्टल से भी खरीदेंगे और अगर इस वर्जन की बात करें, इस अपडेट की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 नए यूनिफॉर्म आए हैं। 18 नए यूनिफॉर्म, यानी आप स्पेंड करते करते थक जाएंगे लेकिन फिर भी आपका कम नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं इनमें से कुछ 3, 6, 8, 16 तो 18 यूनिफॉर्म तो आपके सामने है और कुछ नए यूनिफॉर्म नेक्स्ट अपडेट में भी आएंगे, जैसे कि थोर का हो गया, कैप्टन मार्वल का हो गया, तो ये सब यूनिफॉर्म भी आएंगे। अब मैं क्रिस्टल वाले सब यूनिफॉर्म तो नहीं खरीदने वाले, लेकिन अभी हम लोग दिखाएंगे आपको खरीद के टोटल 32 से 35 के आसपास यूनिफॉर्म है। तो चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे अपने यूनिफॉर्म खरीदने की तरफ। तो खरीदी हो रही है चालू और मार्वल यूनिवर्स पे जाते हैं और एक एक करके हम खरीदना शुरू करते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैं खरीदा। अगर आप लोगों ने भी नहीं खरीदा हो तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सी हल का पहले ले रहा हूँ, यूनिफॉर्म लिस्ट पे जा रहे हैं हम इनके। और ये देखिए पहला यूनिफॉर्म लोग ले रहे हैं, ऑल न्यू जो सीरीज है उसका। गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी मिलती है यहाँ पर, लॉयर अप का है, इफेक्ट ऑफ स्किल है, उस पर फ़र्क पड़ता है। हम लोग खरीद रहे हैं, पहला यूनिफॉर्म ने खरीद लिया यहाँ पर, सी हल्का ले लिया। उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा यूनिफॉर्म लेने की तरफ जिसका नाम है बॉबी मोर्स। अरे भाई ये तो सर्च में दिखाई नहीं रहा है, कुछ और नाम होगा कैरेक्टर का नए यूनिफॉर्म के साथ। शायद मोर्स पे क्लिक कर रहे हैं, एजेंट्स ऑफ शील्ड का यूनिफॉर्म है ये, पर अभी सर्च में नहीं दिखा रहे। पढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वैक का यूनिफॉर्म खरीदते हैं हम लोग। सर्च करेंगे यहाँ पर, क्वैक भी नहीं दिखा रहा है। अरे डेथ लॉक तो दिखाएगा ही दिखाएगा, डेथ लॉक का यूनिफॉर्म हम लोग खरीदते हैं। पहले ही दो बार गड़बड़ हो गई हमारी डेथ। जी हाँ, डेथ लॉक का यूनिफॉर्म हम लोग लेने वाले हैं जो है मॉडर्न यूनिफॉर्म। इसका ऑल अटैक ऑल डिफेंस 10% बढ़ता है, उसके अलावा फिजिकल डैमेज जो है 30% बढ़ जाता है। एक नई स्किल भी आई है अपग्रेडेड मिसाइल की, तो अगर उसका हम रिप्ले अगर देखते हैं तो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन ये हमारा दूसरा यूनिफॉर्म आ रहा है डेथ लॉक का, हमने लिया है नया यूनिफॉर्म। अगला यूनिफॉर्म जो है, जो हम लेने वाले हैं वो है ब्लेड का यूनिफॉर्म। सर्च कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जा रहे हैं। ये भी 70s क्लासिक का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म लिस्ट पे जाएंगे, बाय करेंगे। इफेक्ट में अगर देखें तो स्किल शॉर्ट एज रेड्यूसेस एनिमी फिजिकल डिफेंस, तो जो फिजिकल डिफेंस का पावर है अपोनेंट का वो कम हो जाता है यहाँ पर। तो एक और यूनिफॉर्म हमने लिया है, घोस्ट राइडर का अगला यूनिफॉर्म है। हम लोग घोस्ट राइडर के यूनिफॉर्म की तरफ पढ़ते हैं। घोस्ट राइडर का यूनिफॉर्म है ये हमारा, कौन से नंबर का यूनिफॉर्म है बताता हूँ मैं आपको एक मिनट। यूनिफॉर्म लिस्ट पे जा रहे हैं, देखिए इसके दो यूनिफॉर्म हैं नए, एक क्रिस्टल वाला है। तो क्रिस्टल वाला अभी हम नहीं लेंगे, अभी हम लोग जो गोल्ड वाला यूनिफॉर्म है वही बाय करेंगे। एक और नया यूनिफॉर्म हमने बाय किया है, फायर डैमेज बढ़ रहा है ऑफ 15% और 13 एडिशनल हो रहे हैं फायर डैमेज। उसके अलावा कुछ नई स्किल्स भी आई हैं। अगला यूनिफॉर्म है, काफ़ी यूनिफॉर्म ले रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ। पनिशर का यूनिफॉर्म देखते हैं, ज़बरदस्त होगा ये तो। पता नहीं इनमें से पनिशर का नॉयर वाला यूनिफॉर्म, ये वाला यूनिफॉर्म है जो नया। इसके अलावा भी दो नए यूनिफॉर्म हैं, अगर आपको लेना हो क्रिस्टल्स हो तो ये वाला यूनिफॉर्म सबसे बेस्ट है। लेकिन अभी हम लोग ये वाला लेंगे नॉयर का, बाय करते हैं। यहाँ पर दो नई स्किल भी ऐड हुई है, अच्छी बात है। अगला यूनिफॉर्म है मॉडॉक का। अब मेरे ख्याल से इस गेम का ये सबसे डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर है। देखते हैं कौन सा इसका यूनिफॉर्म है। एक यूनिफॉर्म शायद है हमारे पास, जी नहीं एक भी नहीं है। ये वाला यूनिफॉर्म हमारा पहला होगा स्पाइडॉक का, बाय किया है हमने। थोड़ा हम क्विक करेंगे। अब लेस का यूनिफॉर्म है, अगला यूनिफॉर्म लेस का हम लोग बाय करने वाले हैं। लेस यूनिफॉर्म
एक्चुअली एक और तरीका भी है यूनिफॉर्म बाय करने का, हम लोग जाएंगे वो तरीका भी आपको दिखाएंगे। यूनिफॉर्म लिस्ट पे जाते हैं और ये काफ़ी कूल लग रहा है, जो सुपर स्ट्रीट फाइटर की गेमिंग सीरीज थी उसके जैसा लग रहा है और देखने में काफ़ी कूल है, बाय किया है हमने। मैं जो कह रहा हूँ यूनिफॉर्म लिस्ट आप देख सकते हैं नए तरीके से भी, वो है ऑल यूनिफॉर्म पे जाइए, उसके बाद इसकी प्राइस के हिसाब से इसको शॉर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद यूनिफॉर्म जो आएंगे वो उसी ऑर्डर में आएंगे जहाँ पर देखते हैं हम लोग। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे यूनिफॉर्म जो हमारे गोल्ड के थ्रू बाय हो सकते हैं वो सब यूनिफॉर्म है यहाँ पर। देखिए ये सब हमने बाय कर चुके हैं तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम लोग एंजेला का लेते हैं। एंजेला का यूनिफॉर्म एक हमने ले चुके हैं, ये एक नया यूनिफॉर्म हम लोग ले रहे हैं, ये अगला यूनिफॉर्म हो गया हमारा। और देखिए फ़ायदा हुआ है, डिफेंस बढ़ चुका है हमारे दूसरे यूनिफॉर्म का जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का आयरन मैन का यूनिफॉर्म। चलते हैं अगले यूनिफॉर्म की तरफ, बाय करेंगे हम लोग ब्लैक बोल्ट का, ऑल न्यू ऑल डिफरेंट, गार्ड ब्रेक मिल रहा है इसको एक अटैक के लिए 3 सेकंड के लिए, बढ़िया है, देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है बाकी डिफॉल्ट यूनिफॉर्म से। इसमें अगर देखें तो ये यूनिफॉर्म में मिल रहा है क्लॉज का ब्लैक कैट के लिए। और यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो 3 नई स्किल्स ऐड हो रही है, उसके अलावा चेन हिट डैमेज मिल रहा है 5%। बढ़ते हैं आगे यूनिफॉर्म के लिए, बॉबी मॉर्स, अच्छा ये बॉबी मॉर्स है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है तो देखने में अगर देखा जाए तो ये वाला यूनिफॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है एजेंट्स ऑफ शील्ड का। बाय किया है हमने, यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो गार्ड ब्रेक इनको भी मिल रहा है एक अटैक के लिए 2 सेकंड के लिए, उसके अलावा 1 नई स्किल ऐड हो रही है कॉन्सेंट्रेशन की, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, सिर्फ स्पीड बढ़ जा रही है यहाँ पर। अगला यूनिफॉर्म बाय करते हैं हम लोग फटाफट, यूनिफॉर्म बाय करेंगे हम लोग कैप्टन अमेरिका का, द विंटर सोल्जर का यूनिफॉर्म। ये सब मैंने उस समय ये गेम में था, उस समय एक्टिव नहीं था इसलिए मैंने बाय नहीं किया था, और अच्छी बात है हमारे पास ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर का यूनिफॉर्म है तो ये यूनिफॉर्म ज़्यादा कुछ हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन गोल्ड का मिल रहा है तो ठीक है। शील्ड काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है पर हम लोग इन्फिनिटी वॉर वाले को ही इक्विप करेंगे यहाँ पर। अगला यूनिफॉर्म कैप्टन मार्वल का, मिस मार्वल सीरीज से, और आइकॉनिक है ये यूनिफॉर्म भी काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे लगता है ये यूनिफॉर्म जो पहना है इन्होंने मिस मार्वल का ये भी काफ़ी अच्छा है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलता है, और इसीलिए जब तक कैप्टन मार्वल का यूनिफॉर्म नहीं आया था तब तक इस कैरेक्टर को, कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं था गेम में। अगला यूनिफॉर्म जो है हम ले रहे हैं डेजी जॉनसन का एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज से, और यहाँ हमने बाय कर लिया एक और नया यूनिफॉर्म, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मिल रहा है। अगला यूनिफॉर्म डेयरडेविल का हमारे पास है ऑलरेडी तो हम लोग लेंगे नहीं कुछ। डेस्ट्रॉयल का यूनिफॉर्म मिला, कई लोग बहुत सरप्राइज है जब उन्होंने सुना कि डेस्ट्रॉयल का यूनिफॉर्म गोल्ड से मिल रहा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बहुत से लोगों ने, पर मिल रहा है तो देखिए कितना इफेक्ट है, 1, 2, 3, 4 नई स्किल आ रही है, उसके अलावा डैमेज 2 अटैक के लिए बढ़ रहा है 10 सेकंड के लिए, 30% चांस है इस नए स्किल का अप्लाई होने का, और नया स्किल लेते ही हमारा 5 रैंक आ गया, पता नहीं क्यों ऐसा कहें। एक और नया यूनिफॉर्म लिया है हमने, डॉक्टर ऑक्टोपस का यूनिफॉर्म आया है, स्पाइडरमैन का है ये, सुपीरियर स्पाइडरमैन सीरीज से, और बाय किया है हमने। इफेक्ट की बात करें तो काफ़ी नई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नई स्किल देखने को मिल रही है, उसके अलावा डैमेज बढ़ा रहे हैं हमारा 120% का 2 अटैक के लिए, काफ़ी इम्प्रूव है ये कैरेक्टर, काफ़ी इम्प्रूव लगेगा मेरे ख्याल से ये नई यूनिफॉर्म के साथ। अगला यूनिफॉर्म ट्रैक्स का है हमारे पास, इस गेम में सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म है इसका, वो अब हमें मिल जाएगा, ऑल न्यू ऑल डिफरेंट लुक, काफ़ी बैडएस लग रहा है, देखिए ये लुक है एक और एक ये लुक है, कॉमिक से काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर। यूनिफॉर्म की बात करें तो इग्नोर डिफेंस बढ़ रहा है, अच्छी बात है यहाँ पर, उसके अलावा 3 नई स्किल आ रही है ज़बरदस्त, ऑब्लिटरेट देखते हैं हम लोग एक बार रिप्ले में कैसा लगता है, काफ़ी अच्छे हैं ये, कॉम्बैट कैटेगरी का प्लेयर है ये, देख सकते हैं। अगला यूनिफॉर्म की तरफ पढ़ते हैं, अगला यूनिफॉर्म है एल्सा प्लस्टोन का, हमारे पास ऑलरेडी इनका लेटेस्ट यूनिफॉर्म है तो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन गोल्ड की कीमत है तो भाई ले लेते हैं। इसकी इफेक्ट की बात करें तो रेड फ्लेम मिल रही है, एक इवेंट नई है, एक नई स्किल है, और मैं बता दूँ 1 या 1.5 साल पहले ये कैरेक्टर टॉप का कैरेक्टर होता था,
जिसे कहते हैं ना कि ऐसा यूनिफॉर्म, एक ऐसा कैरेक्टर जो सभी लोग अनलॉक करना चाहते हैं, उस कैटेगरी में आता है। गेमोरा का यूनिफॉर्म है ले रहे हैं हम लोग, ऑल न्यू ऑल डिफरेंट सीरीज से, 5 लाख गोल्ड का। हमारे पास है नहीं कोई भी यूनिफॉर्म, तो नया यूनिफॉर्म डेफिनेटली हेल्प करेगा। कुछ ज़्यादा इफेक्ट है ही नहीं, इंक्रीजेस ब्लीड इफेक्ट है सिर्फ, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम लोग इसी स्किन को अप्लाई करेंगे। अगला यूनिफॉर्म आ रहा है ग्रीन गोब्लिन का, काफ़ी लुक बदल जा रहा है इनका, 5 लाख का है ये भी गोल्ड का। ये कौन नया यूनिफॉर्म हमने बाय किया है यहाँ पर। स्किल की बात करें तो इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज 4 सेकंड के लिए, अरे वाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है कैरेक्टर का। उसके अलावा तो 10% तो बढ़ ही रहा है अटैक और डिफेंस। उसके अलावा 1 2 3 4, ओ हो, 1 2 3 4 5 6 नई स्किल्स आ रही है, यानी पूरा कैरेक्टर एकदम से चेंज हो जा रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। और ये सब नए यूनिफॉर्म से एक चीज़ हो रही है कि हमें वर्क करना पड़ेगा इन सब कैरेक्टर्स पर। अब मेरे पास थोर रंगनारॉक का तो यूनिफॉर्म है ही, तो ये यूनिफॉर्म ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा वर्ल्ड वॉर हल्क का। लेकिन फ़ायदा ये होता है जब भी हम ऐसे यूनिफॉर्म बाय करते हैं तो दूसरे यूनिफॉर्म को अपग्रेड करने पर उनकी स्किल बढ़ जाती है। जैसे आयरन मैन का भी हमारा अपग्रेड हुआ था, उसका नो डिफेंस बढ़ गया था कुछ परसेंटेज। अगर इस यूनिफॉर्म की बात करें तो गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी मिल रही है तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर। उसके अलावा 3 नई स्किल्स भी मिल रही हैं, पर हम लोग रंगना रॉक का ही रखेंगे। हाँ, हल्क बस्टर, ये भी मेरे पास एक भी यूनिफॉर्म नहीं था इसका। लास्ट अपडेट में मैं लेने वाला था इन्फिनिटी वॉर का, लेकिन स्टॉप रखा मैंने। और अब यहाँ पर हमें गोल्ड से मिल रहा है ये नया यूनिफॉर्म, हैवी ड्यूटी आर्मर का। 2 नई स्किल्स आ रही है, बुलेट पंच आ रहा है, देखने में काफ़ी कूल होगा मेरे ख्याल से। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हाइड्रोलिक बूम देखने में कहते तो पे मारेगा सर। जी हाँ बढ़िया है ये भी, ठीक है। लुक भी कुछ खास नहीं है, ये ओरिजिनल लुक ही काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। उसके अलावा स्किल डाउन, स्किल कूल डाउन 50% डाउन कर रहा है, बहुत बढ़िया। अभी तो हम लोग यही यूनिफॉर्म रखेंगे। अगले यूनिफॉर्म की तरफ पढ़ते हैं जो है आयरन फिस्ट का, हमारे पास लेटेस्ट यूनिफॉर्म है, तो ये हमें ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा गोल्ड के मिल रहा है तो ले लेते हैं, और दूसरे यूनिफॉर्म पे भी इफेक्ट करता है। एक नई स्किल ऐड हो रही है कुंडन फोकस, देखते हैं। जी नहीं, कुछ ज़्यादा अग्रेसिव इफेक्ट नहीं है। इनविजिबल बन रहे हैं 5 सेकंड के लिए, 10% रिकवरी हो रही है, जबकि HP 30% से बिलो जाती है। तो अगर इसका लेटेस्ट यूनिफॉर्म नहीं होता तो डेफिनेटली हेल्पफुल होता। अगला यूनिफॉर्म है हमारा ल्यूक केज का, इनका लेटेस्ट यूनिफॉर्म हमारे पास TV सीरीज़ का नहीं है, नेटफ्लिक्स का, तो हम लोगों के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। ऑल न्यू ऑल डिफरेंट यूनिफॉर्म लिस्ट की बात करें तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो ठीक है। मॉडोक हम लोग ले चुके हैं, अभी अभी हमने बाय कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल्क का ऑलरेडी मेस्ट्रो है हमारे पास, पनिशर का हम ले चुके हैं, क्वैक का, बाकी है क्वैक का दो दो यूनिफॉर्म मिल रहा है, क्वैक के दो दो यूनिफॉर्म मिल रहे हैं। कोई नहीं, बाय कर लिया है हमने, और लेटेस्ट वाला जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी यूनिफॉर्म लेने में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म ही लें। रॉकेट रकून का ऑल न्यू ऑल डिफरेंट यूनिफॉर्म, रैबिट मजाक में कहते थे इनको, पर ये यूनिफॉर्म की बात करें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। एक नई स्किल डाल रहे हैं कवरिंग फायर की, ठीक है, कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। 2 नए यूनिफॉर्म आए हैं, शायद मैं लूँगा, अभी देखता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ बाद में। अभी हम चलते हैं अगले यूनिफॉर्म की तरफ जो है सिस्टर ड्रीम का। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर अभी मैं थोड़ा बहुत काम करूँगा इसको, और काओस टोकन से मैं रैंक 6 और टायर 2 पे ले जाने वाला हूँ। तो अच्छा, एक नया यूनिफॉर्म मिल रहा है मेरे को, एक नई स्किल भी ऐड हो रही है एवियन फ्यूरी करके, तो अच्छा एक नया यूनिफॉर्म इनके लिए मिल गया है मेरे को। स्पाइडरमैन का एक नया यूनिफॉर्म आ रहा है, सीक्रेट वॉर्स हम ले चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। उसके अलावा ऑल न्यू ऑल डिफरेंट का भी यूनिफॉर्म मिल रहा है, मुझे ये वाला यूनिफॉर्म चाहिए था डिस्काउंट में, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा सिविल वॉर का, अगले अपडेट में शायद आए, देखते हैं। पर अभी हम लोग बाय करेंगे ऑल न्यू ऑल डिफरेंट। और अगर देखा जाए तो मेरे पास ऑलरेडी लेटेस्ट है तो मैं इसे ही अप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये वाला यूनिफॉर्म आप ले सकते हैं, ऑल न्यू ऑल डिफरेंट, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है और नए वाले के सामने तो बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। अगर क्रिस्टल्स से होता तो गोल्ड से ले सकते हैं। स्टार लॉर्ड का भी हमारे पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इसके ऑलरेडी 3 यूनिफॉर्म आ चुके हैं, तो हम लोग ये वाला यूनिफॉर्म लेंगे। देखने में काफ़ी अलग है, कैरेक्टर को एक नया लुक देता है अगर हम देखें तो। यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो क्रिटिकल डैमेज बढ़ रहा है 15%। उसके अलावा 2 नई स्किल है, पावर ऑफ ऑर्ब देखने लायक होगी शायद, देखने में सुनने में लग रही है। ओहो काफ़ी बढ़िया है यार पावर ऑफ ऑर्ब। स्टार मूव्स मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ होगी, डांस वांस जैसा कुछ होगा।
जी नहीं, फिर भी ठीक है, करेक्टर को एक नया लुक लग रहा है, और हमारे पास कोई यूनिफॉर्म था नहीं, तो एक नया करेक्टर, एक नया यूनिफॉर्म आ चुका है। थोर का जो है वो एक नया यूनिफॉर्म ऐड हुआ है, आप बाय कर सकते हैं, जैसे जो अल्ट्रॉन का, अल्ट्रॉन के सारे यूनिफॉर्म हैं कीमत वाले, गोल्ड वाले। अगला यूनिफॉर्म है वॉर मशीन का, यहाँ पर हम लोग लेंगे इनका। हमारे पास लेटेस्ट यूनिफॉर्म तो नहीं है एंड गेम का, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में हमने लिया था, तो अभी हम लोग एवेंजर्स द इनिशिएटिव का यूनिफॉर्म बाय कर रहे हैं। देखने में बहुत ज़बरदस्त है, ये गजब लग रहा है, कॉमिक्स का लुक आ रहा है पूरा, कुछ ज़्यादा इफेक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग घूम फिर के वापस से अपने इन्फिनिटी वॉर के अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे यूनिफॉर्म ख़त्म होते हैं, जो हमने कितने यूनिफॉर्म बाई किए अगर हम देखें तो लगभग टोटल 25-30 तो ले लिए होंगे हमने मेरे ख्याल से, क्योंकि अब बाकी के जो यूनिफॉर्म है वो सब क्रिस्टल्स वाले हैं, वो अभी हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम कुछ तो बाय करेंगे क्रिस्टल्स का इस वीडियो के लिए। तो जो यूनिफॉर्म हम लोग बाय करने जा रहे हैं, देखिए फाल्कन वाल्कन सब बहुत कॉस्टली हैं, देखिए काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं पहला यूनिफॉर्म जो लेने जा रहा हूँ अभी के लिए आप लोगों के सामने, वो है हमारे द माइटी थानोस का। मेरा लेवल टायर 2 ऑलरेडी हो चुका है, टायर 3 पे वर्क करना पड़ेगा मेरे को जल्दी, पर पहला यूनिफॉर्म लोग ले रहे हैं माइटी थानोस का, और डिज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए कल लाइव स्ट्रीम में गलती कर दी थी डेवलपर्स ने, यहाँ 50% लिखा रहा था, 20% लिखा रहा है हीरो डैमेज। कितनी नई स्किल आ रही है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नई स्किल आ रही है, उसके अलावा टायर 3 हो रहा है। तो पहला यूनिफॉर्म हम लोग बाय कर रहे हैं थानोस मार्वल्स एवेंजर्स एंड गेम का, अपने नए आर्मर के साथ। देखने में तो ये कूल लग रहा है अभी, पर ये बहुत बैडेस लग रहा है, एकदम विलन का लुक दे रहे हैं। अगला यूनिफॉर्म जो है डेफिनेटली मैं बाय करने वाला हूँ, वो है रॉनिन, मार्वल्स एवेंजर्स एंड गेम का यूनिफॉर्म है। क्रिटिकल डैमेज 15% बढ़ रहा है, इफेक्ट की बात करें तो प्रिसीजन एम हो रहा है इनका, और ये हमारा अगला यूनिफॉर्म हमने बाय किया है रॉनिन का यूनिफॉर्म, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। हॉकआई की अगर बात करें, ये कैरेक्टर इतना कुछ खास नहीं था गेम में, लेकिन अब मेरे ख्याल से इस अपडेट के बाद बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर देखिए बाकी सब यूनिफॉर्म ये सब है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए ये यूनिफॉर्म को भी मेरे ख्याल से वो हो जाना था गोल्ड का, ये एक यूनिफॉर्म हमने बाय किया था बहुत पहले, और अभी हमारा रॉनिन आ गया है। अगला यूनिफॉर्म जो मैं बाय करूँगा वो है मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन, और मैं इनके दोनों यूनिफॉर्म बाय करने वाला हूँ। पहला यूनिफॉर्म जो मैं बाय कर रहा हूँ वो है एवेंजर्स एंड गेम का, जो मेन 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 मार्केट 5 है, शायद मार्केट 5 वो एक बाय किया है, हमने कर लिया बाय। उसके अलावा हमने जो बाय करने वाले हैं वो है टीम सूट, हमने एक बाय किया है तो उसके बदले हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है दूसरा यूनिफॉर्म भी। और कुछ भी होता मैं आयरन मैन का तो डेफिनेटली बाय करता यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, कई लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि सुपर आर्मर मिलता है 1 सेकंड के लिए, 20% डिफेंड बढ़ जाता है, कूल डाउन जो टाइम है वो 3 सेकंड है, उसके अलावा 3, 4, 5 नई स्किल्स आई हैं। देखिए ये कौन सी स्किल है तो वैसे ही खाली दिया गया है कि 5 स्किल्स चेंज, थोड़ी बहुत उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज हुई होगी, बाकी सब सेम है। टायर 3 चेंज हुआ है इसका, इफेक्ट दोनों में सेम है। तो अगला यूनिफॉर्म मेरा होने वाला है एंट मैन का, क्यों? क्योंकि भाई मैंने अभी तक इसका एक भी यूनिफॉर्म नहीं लिया, देखिए दोनों क्रिस्टल्स वाले यूनिफॉर्म नहीं लिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही स्टील डील है, एकदम ज़बरदस्त डील है, क्योंकि 750 में मुझे मिल रहा है एक पूरा नया यूनिफॉर्म, तो डेफिनेटली मैं बाय करूँगा एंट गेम का यूनिफॉर्म। और ये हमने बाय किया है, और थोड़ा बहुत वर्क भी करना पड़ेगा मुझे एंट मैन पर, मैं लगभग लोगों इसे इग्नोर कर दिया था पूरी तरह। और 450 में हमें मिल रहा है सिनर्जी यूनिफॉर्म, और सिनर्जी यूनिफॉर्म से होता क्या है कि 5% अटैक और बढ़ जाता है, तो पता नहीं लूँ कि ना लूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को, पर ले लेते हैं यार, 450 है ठीक है, मेरे पास 6000 बचे हुए हैं। अभी तो थॉर का यूनिफॉर्म आएगा, लेकिन मैं वो लेने वाला नहीं हूँ, कई लोगों को लगेगा यार क्यों ऐसा है, लेकिन भाई नहीं, थॉर हमको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और अगला यूनिफॉर्म है हमारा, लेंगे हम नताशा का, द ब्लैक विडो का। क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका भी मैंने एक भी यूनिफॉर्म अभी तक नहीं लिया है, सिवाय कि गोल्ड वाले यूनिफॉर्म, ये दोनों यूनिफॉर्म के गोल्ड के थे, और ये दोनों क्रिस्टल्स वाले मैंने लिए नहीं है, तो मेरे लिए यहाँ पर भी फ़ायदे की डील है। और स्कारलेट जॉनसन का यूनिफॉर्म ज़बरदस्त लगता है, इनकी
मूवी भी आ रही है तो इंतजार रहेगा मेरे को देखने का, स्कारलेट जॉनसन को एक सोलो मूवी में, तो ये अगला यूनिफॉर्म बाय कर रहे हैं। यूनिफॉर्म लिस्ट की बात करें अगर तो क्रिटिकल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 15% इन एनसीस इफेक्ट ऑफ स्किल ग्रेसफुल डांसर, पता नहीं मतलब क्या है इसका, लेकिन 5 नई स्किल दिखा रहा है इसमें, मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क होगा इसकी जो। ठीक है नंबर 6 वाली स्किल देखते हैं, 5 वाली, हुक दी ग्रेस। और ये वाला यूनिफॉर्म पता नहीं मैं लूंगा कि नहीं, इनिशिएटिव बोनस है, सेम 5% का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 6:30 का है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलिए ले लेता हूं। ऐसे भी क्रिस्टल्स बचाने का मतलब है नहीं अब, क्योंकि ये अपडेट के बाद मैं सिर्फ क्रिस्टल्स बचाने ही वाला हूँ, अगली अपडेट तक सिर्फ एक यूनिफॉर्म मुझे लेना है, वो डिस्काउंट में आएगा तब मैं लूँगा, वो है ये वाला यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मुझे लेना है, मैं इंतज़ार करूँगा इसके डिस्काउंट का, जब कम होगा तब मैं लूँगा, तब तक बचाएंगे रुपए क्रिस्टल्स। कैप्टन मार्वल का मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि कैरेक्टर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, और ऑलरेडी हमारे पास एंड इन्फिनिटी वॉर का यूनिफॉर्म है, तो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। रॉकेट रकून मेरा बहुत ही कम लेवल का है, मैं 6 स्टार करके मैंने इनको छोड़ दिया है, रॉकेट रकून को तो मैं ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ, तो पता नहीं इनको लेना चाहिए कि नहीं, अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है मैं नेक्स्ट अपडेट में लूँ, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया रॉकेट का यूनिफॉर्म, क्योंकि इसकी स्किल जो है देखिए 25% इंक्रीज हो रहा है अटैक में, उसके अलावा 1 2 3 4 5 स्किल्स चेंज हो रही हैं इनकी, तो है तो अच्छी डील रॉकेट रखूँ, कई लोगों ने कहा है कि अच्छी डील है, पर सिनर्जी तो मैं नहीं लूँगा इनकी, ये कन्फर्म है। तो नेबुला का भी लोगों ने कहा है अच्छा है, नेबुला का भी यूनिफॉर्म अच्छा है, स्किल की बात करें तो कॉस्मिक सेंस स्टनिंग ग्रेस इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्म इफेक्ट ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें आई हैं, पर मैं नेबुला नहीं लेने वाला हूँ, नेबुला का नहीं लेने वाला हूँ, रॉकेट का बहुत नज़दीक है, वॉर मशीन यार, वॉर मशीन देखा जाए तो यार ज़बरदस्त लग रहा है। अगर टीम सूट की बात करें तो सबसे अच्छा यूनिफॉर्म मेरे ख्याल से वॉर मशीन पे ही लग रहा है, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम लग रहा है कि इसी के लिए बनाया गया। स्किल में कुछ ज़्यादा एनिमेशन में ज़्यादा इफेक्ट चेंजेस नहीं हुए हैं, देखिए ये तो वही सब है, और देखने में ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखिए ये इनका मेन यूनिफॉर्म है। स्किल की बात करें तो फिजिकल अटैक बढ़ रहा है 15%, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है यार, 1050 मैं स्पेंड नहीं करने वाला हूँ, ये मेरा मेन यूनिफॉर्म है अभी का, तो नहीं यार मुझे नहीं लग रहा है कि लेने लायक है ये यूनिफॉर्म अभी। सिनर्जी की बात करें तो देखने में कूल है, लेकिन भाई अभी क्रिस्टल बचाने हैं थोड़े, अभी हमें 1000 के ऊपर का वुल्वरिन का यूनिफॉर्म देना है, थॉर का यूनिफॉर्म आएगा, कैप्टन मार्वल का आएगा, हल्क का भी अच्छा यूनिफॉर्म ज़्यादा नहीं लग रहा है देखने में। ठीक है कुछ ज़्यादा इतना लग नहीं रहा है। ये यूनिफॉर्म की बात करें तो देखिए इसमें भी कुछ सेम ही है सब कुछ, सिर्फ स्किल चेंज हुई है थोड़ी बहुत, बाकी इफेक्ट और बोनस की बात करें तो सेम ही है। अब इसके लिए मैं 1050 क्रिस्टल्स 2 बार तो नहीं खर्च करने वाला, तो अभी के लिए मेरा हल्क भी स्किप कर रहा हूँ, नेबुला स्किप है, वॉर मशीन स्किप है, और कैप्टन अमेरिका का स्किप है मेरे लिए अभी के लिए, जो थोड़ा बहुत डाउट है वो रॉकेट के साथ है, वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन ये हमारा आज का गेम प्ले का जो मेन मकसद था वो हमने ले लिया है, हमने लगभग बहुत सारे यूनिफॉर्म बाय किए, लगभग मेरे ख्याल से 30 यूनिफॉर्म लिए होंगे शायद, मैं टाइटल में लिख दूंगा कितने लिए मैंने गिन करके, वीडियो जब एंड होगी तब काउंट करके, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से हमने 30 के आसपास लिए होंगे शायद, 32 तो था हमारा वो, 32 से 34 के आसपास, तो अगर 13 भी लिए तो 26 वहाँ हो गए, और यहाँ पर हमने कुछ नए यूनिफॉर्म लिए हैं तो वो आप देख ही सकते हैं, देखिए हमारी जो नई टीम जो मेरी बनने वाली है टॉप की टीम वो अब बनेगी, थानोस आएगा, हो जबरदस्त, और रॉनिन कहाँ गए हमारे, ये देखिए ये मेरा रोस्टर है यहाँ पर, रॉनिन को इंतजार है हमारा, रॉनिन देखिए कैप्टन मार्वल भी जबरदस्त है, T3 करने लायक कैरेक्टर है, रॉनिन बहुत पीछे होगा क्योंकि मैंने जाना है स्कारलेट जॉनसन, यार स्कारलेट जॉनसन को रखेंगे हम लोग टॉप पे, और इनका मेन यूनिफॉर्म रखेंगे, टीम बोनस में भी अच्छी लग रही है, जो टीम सूट है उसमें भी ज़बरदस्त लग रही है, और अच्छी बात है कि चेहरा थोड़ा बहुत मिलता जुलता बनाया है इस बार, ये तो हर बार कभी कभी लगता है कि भाई किसका चेहरा है ये, देखिए इसमें नहीं लग रही स्कारलेट जॉनसन, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, इसमें भी
इसमें थोड़ा बहुत पता नहीं, पर इसमें लग रही है मेरे को तो कम से कम सबसे ज्यादा, तो अच्छी बात है हमारा ये तीसरा कैरेक्टर हो गया। तो ये तीन नए यूनिफॉर्म आपके सामने हैं, और इसके अलावा हमने रॉनिन को भी लिया है, लेकिन बाद में हमको सेट करेंगे, अभी मेरे को इस पर काफ़ी वर्क करना है। देखिए ये भी सब हमने अपडेट नहीं किया है, अभी आई एस ओ एड सेट नहीं किया है हमने, प्रोटेक्ट द कैप्टन है, कस्टम गियर बाकी है, तो भाई बहुत वर्क करना है अभी तो रॉनिन पे इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर। तो ये था मेरा गेम प्ले, हमारा गेम प्ले मार्वल फ्यूचर पॉइंट 0.5 एंड गेम अपडेट का, और काफ़ी यूनिफॉर्म ने बाय की, मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे ज़बरदस्त यूनिफॉर्म हमने बाय का एक वीडियो है ये। अचीवमेंट हमारे बहुत सारे पूरे हुए, वो एक बार कंप्लीट देखते हैं क्या क्या हुआ है। एक ही हुआ है खाली, एक्वायर 20 बेसिक यूनिफॉर्म्स, चलिए कोई नहीं, ये भी हुआ 25 भी हुआ, दो यूनिफॉर्म थे यहाँ पे, दो तो हो ही गए हमारे इवेंट। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट है, अगर आपके पास क्रिस्टल्स नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थानोस एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, अगर थानोस है आपके पास। उसके अलावा कैप्टन आयरन मैन काफ़ी बढ़िया है यूनिफॉर्म के मामले में, उसके अलावा देखा जाए अगर तो वॉर मशीन इतना नहीं लग रहा है मेरे को, अगर आपके पास पुराने यूनिफॉर्म है तो। उसके अलावा कैप्टन अमेरिका के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, रॉकेट बढ़िया है काफ़ी, नेबुला भी इतना मुझे नहीं लगी खास अभी, पर थानोस कैप्टन अमेरिका, थानोस आयरन मैन, रॉनिन मस्ट बाय है, और स्कारलेट जॉनसन वाला जो है यूनिफॉर्म ब्लैक विडो का, वो भी काफ़ी मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि क्रिटिकल डैमेज बढ़ रहा है 15% रेट भी बढ़ रहा है, और तीन चार पाँच पाँच स्किल भी चेंज हो रही हैं, तो सही है। पुराना वाला देखिए जो था वो उसका डॉजिंग पे इफेक्ट होता था, यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्रिटिकल डैमेज बढ़ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बाय होगा। तो ये था हमारा आज का गेम प्ले, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, और होप ये गेम आप लोग खेलते हो। मेरा आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं S1 है, कोड नेम मेरा S1 है, आप ऐड कर सकते हैं और भेज सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट। और अभी के लिए हम लोग लेते हैं आप लोगों से विदा, और जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसके नए वीडियो भी बनाऊंगा कैरेक्टर के भी, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया इस वीडियो पे तो, कि क्या इफेक्ट है, कैसा रहा है रिस्पांस, कैसे पहले की कंपेयर में अभी कितना चेंज हुआ है कैरेक्टर में, खेलने में कितना जल्दी पूरे हो रहे हैं मैचेस, वो सब जो ग्राउंड्स हैं फाइट्स हैं वो सब। तो अभी के लिए लेते हैं विदा, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना सपोर्ट अपना प्यार हमारे चैनल और वीडियोस को इसी तरह से देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।